दोस्तों बात करते हैं भारतीय संविधान आखिर बना कैसे। इस बारे में हमने अभी बात की थी कि भारतीय संविधान क्या है, उसके कामकाज क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो बना कैसे है। तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि भारतीय संविधान को एक संविधान सभा ने बनाया था। मैंने आपको संविधान सभा के बारे में बताया था कि संविधान सभा क्या काम करती है, संविधान को बनाने के लिए ही उसका गठन किया जाता है, मतलब वो बनाई ही इसीलिए जाती है कि वो संविधान का निर्माण करे। इसको हम मैं आपको दोबारा उसकी फोटोज दिखा देता हूं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये संविधान सभा है। देखिए, संविधान सभा ने क्या किया, संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा में हर मुद्दे के ऊपर या हर कानून के ऊपर बहस हुई और उससे बेहतर जो पूरे देश के लिए बेहतर जो निर्णय था वो सामने आया। ठीक है, पूरे देश के लिए क्या बहुत अच्छा हो सकता है, तो उन सभी बातों को जो है संविधान में जो है शामिल किया गया। मैं आपको ये भी बताया था कि ये संविधान की ओरिजिनल कॉपी है जिसपे ये सभी लोग जो है साइन कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉपी ये है। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पे दोबारा चलते हैं। देखिए, संविधान सभा जो है उसने संविधान को बनाया और ये जो है संविधान ये बनाया गया अविभाजित भारत का। देखिए, अविभाजित का मतलब होता है जिसमें अभी भी विभाजन ना हुआ हो। तो अविभाजित भारत का मतलब क्या हुआ कि भारत जो है अभी उसका विभाजन नहीं हुआ है। तो इसके इसको भी मैं जो है आपको फोटोज के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक सेकेंड, मैं आपको यहाँ आप ये देखिए, ये देखिए, ये है अविभाजित भारत। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि ये वाला पूरा इलाका जो पाकिस्तान में आता है ये अभी भी इंडिया का भाग है, और ये जो बांग्लादेश है ये भी इंडिया का भाग है। पूरा जो ये टोटल जो है ये अविभाजित भारत है। ठीक है ना, अब मैं आपको इसमें दो बातें बता देता हूँ। देखिए, भारत जब मतलब अभी जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो क्या था, ये एक ब्रिटिश भारत था। ठीक है ना, ब्रिटिश भारत कहलाता था। अब ब्रिटिश भारत जो है उसको चलाया कैसे जाता था, ब्रिटिश भारत में दो तरह से शासन किया जाता था। एक में तो जो है ये ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, ठीक है, एक में ये इनडायरेक्ट कंट्रोल करते थे। अब इस बात को समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, सीधे तौर पे। अब ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये ब्रिटिश इंडिया, ये येलो येलो वाला, ये जितने भी येलो इलाका है ना ये ब्रिटिश इंडिया के प्रांत थे। मतलब प्रांत को स्टेट भी कहा जाता है या प्रोविंस भी कहा जाता है, ये ब्रिटिश प्रांत थे सारे के सारे। ठीक है ना, और ये जो पिंक वाले हैं सारे के सारे ये थे प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि ये थे रजवाड़ों का शासन यहाँ होता था। ठीक है, रजवाड़े मतलब जो राजा जो लोग थे वो यहाँ पर शासन करते थे, जो ये जो पिंक पिंक वाले थे इलाके। ठीक है, अब आप बात समझिए, यहाँ तो ब्रिटिशर जो पीले पीले वाले इलाके हैं यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रत्यक्ष शासन कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो सीधे तौर पर कर रहे हैं। लेकिन ये जो पिंक वाले जो भाग है जहाँ पे रजवाड़ों का शासन है, वहाँ पर राजा तो ये जो रजवाड़े हैं वही हैं, लेकिन ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनके कंट्रोल में थे ये। ठीक है ना, इन इलाकों को ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। ये अभी आपको अगली लाइन में इसका मतलब समझ आएगा। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो भारत की संविधान को एक औपचारिक रूप से संविधान सभा ने बनाया, ये अविभाजित भारत में निर्वाचित की गई थी। अविभाजित भारत मतलब जिसका अभी विभाजन नहीं हुआ था। तो इसका मतलब है कि संविधान किस लिए बनाया गया, पूरे भारत के लिए संविधान, मतलब संविधान सभा को बनाया गया पूरे भारत के लिए संविधान को बनाने के लिए जिसका विभाजन अभी नहीं हुआ था। तो इसकी पहली बैठक हुई थी कब, 9 दिसंबर 1946 को। ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, और उसके बाद जो है ये 14 अगस्त 1947 को ये दोबारा इसकी अगली बैठक हुई थी। अब आप बात समझ रहे हैं कि इसके बीच में ही जो है काफ़ी तरह से जो है दंगे हुए थे, और क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी, जो जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी जिन्ना ने, तो उस समय मुस्लिम लीग और उस समय कांग्रेस के बीच में जो है ये पूरा का जो है पंगा चल रहा था कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि पाकिस्तान को अलग बनाया जाए, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस ये सब चाहते थे कि जो भारत है वो उसका विभाजन ना किया जाए। तो उसके बाद इसलिए 14 अगस्त 1947 को इसकी दोबारा से बैठक बैठती है संविधान सभा की, जिसका काम था संविधान को बनाना। तो संविधान सभा के जो सदस्य हैं, जो मतलब देखिए, ये जो संविधान सभा के मैंने आपको अभी फोटो दिखाई थी, तो उसके सदस्यों को चुना कैसे गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, भारतीय संविधान जो बना था वो बना था 1950 में। तो 1950 में बनने से पहले भी तो कुछ ना कुछ नियम ऐसे थे ना जिसके आधार पर भारत को चलाया जा रहा था। तो वो नियम थे 1935 का एक्ट,
भारत सरकार अधिनियम जो था वो 1935 का एक जो था एक्ट था, उसके द्वारा भारत पर शासन चलाया जा रहा था। तो 1935 के एक्ट के बाद भारत में चुनाव हुए थे। तो उसमें ना, अब देखिए, तो उसमें जो चुनाव हुए थे वो 1935 के एक्ट के आधार पर हुए थे। अब इस बात को बहुत बिल्कुल कंफ्यूज मत हुइएगा, ध्यान से समझिएगा। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको चुनाव कैसे किया गया था, जो 1935 का जो एक्ट था उसके अनुसार, उसमें स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा आप प्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। 1935 का चुनाव मतलब 1935 के एक्ट के द्वारा उनका चुनाव किया गया था, जो कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। अब आप इसको समझिए, देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया कि यहाँ पर ये ब्रिटिशर्स के अलग अलग प्रांत थे। आप ये देख रहे हैं, ये सिंध प्रांत हो गया, ये पंजाब प्रांत हो गया, ये NWFP प्रांत हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा मद्रास प्रांत हो गया, ये सेंट्रल प्रोविंस का प्रांत हो गया। तो ये प्रांत जो थे इनके प्रोविंस थे ब्रिटिशर्स के, जहां पर ब्रिटिशर डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे। तो यहां पर ना 1935 के अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से इनडायरेक्टली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ये बात समझ गए आप, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन जो है उसका काम क्या था कि भारत में संविधान सभा बनेगी, तो संविधान सभा कैसे बनेगी उसके बारे में इसने एक योजना प्रस्तुत करी। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा, 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या था, प्रत्येक प्रांत के जो ब्रिटिशर्स के प्रांत थे, प्रत्येक प्रांत के देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। अब आप इस बात को समझ रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए हर प्रांत को, ये जो सारे के सारे ये वाले सारे प्रांत हैं जो ब्रिटिशर्स जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल करते थे यहाँ, और ये जो देशी रजवाड़े हैं जहाँ पर वहाँ के राजा शासन करते थे, इन सबको उनकी जनसंख्या के हिसाब पर, जैसे मान लो किसी की जनसंख्या 1 करोड़ है, ठीक है, मतलब या तो देखिए आप ये ध्यान रखिए, जिस किसी की जनसंख्या 1 करोड़ है किसी राज्य की, तो क्या होगा, 10 लाख के ऊपर जो है एक सीट दी गई, ठीक है ना। तो 1 करोड़ जो होगा तो उसके लिए 10 सीट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से उन्होंने क्या करा, 10 लाख के ऊपर सीट दे दी गई। अच्छा, अगर मान लो रजवाड़े जो है छोटे छोटे थे, क्योंकि हमारे देश में ना इससे पहले 550 से ज्यादा रजवाड़े थे, ठीक है ना, 550 से ज्यादा ये राजा छोटे छोटे शासन कर रहे थे। तो कुछ छोटे इलाके थे, कुछ बड़े इलाके थे, कुछ बहुत छोटे 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 इलाके भी थे, तो उन सबको मिला करके 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट दे दी गई थी, ठीक है, आप इस बात को अब समझ गए होंगे। तो एक ये था पहला, इसका ये है कि प्रत्येक प्रांत को, देशी रियासत को और रियासतों के समूह को, या तो एक प्रांत को अगर उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, देशी रियासत अगर उसकी जनसंख्या ज़्यादा है तो 10 लाख के ऊपर सीट दे दी जाएगी। जैसे सपोज किसी की संख्या 30 लाख है, ठीक है ना, तो उनके लिए 3 सीट का प्रावधान कर दिया जाएगा। तो या तो रियासतों के समूह, यदि छोटी छोटी रियासतें हैं तो उन सबको मिला करके जो है मतलब उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको सीटें दे दी जाएगी जितनी उनकी जनसंख्या होगी, ठीक है। और इसका अनुपात कैसे रखा गया, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का, ठीक है, अभी आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, फिर हुआ क्या, जब 10 लाख के ऊपर एक सीट दे दी गई तो पूरे ब्रिटिश सरकार जो, जहाँ पे ब्रिटिश सरकार सीधे तौर पे शासन कर रही थी, मैंने आपको बताया ना जो भी पीले वाले इलाके थे वहां पर ब्रिटिश सरकार जो है सीधे तौर पे शासन करती, प्रत्यक्ष शासन कर रही थी, उनको सीटें दी गई टोटल 292 सीटें, और जो देशी रियासतों की जो सरकारें थी वहां पर 93 सीट्स दी गई उनको, ठीक है। यहां पर एक बार दोबारा देख लेते हैं, जहां पर ये पीले वाले इलाके हैं इनके लिए सीटें थी 292, और ये जो पिंक वाले इलाके हैं इनके लिए सीटें दी गई 93 सीट्स, ठीक है। हर प्रांत को 3 प्रमुख समुदायों में बांट दिया गया, हर प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय कौन कौन से थे, मुस्लिम, सिख, ठीक है, और तीसरा है सामान्य। मुस्लिम और सिख को छोड़कर के जितने भी जो लोग थे, चाहे वो क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, वो सब जो है सामान्य, हिंदू क्रिश्चियन कोई भी हो वो सभी जो है सामान्य में आए। तो इनको उनकी सीटों के हिसाब से जो है कैसे बांटा गया, 3 समुदायों के ऊपर, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। अब आप बात समझ रहे हैं कि प्रतिनिधियों को कैसे, प्रतिनिधि का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले क्लास में आपको मतलब लास्ट अपनी वीडियो में ये आपको बताया था इसी चैप्टर की, कि हर क्लास का एक मॉनिटर होता है, ठीक है। अब मॉनिटर क्या करता है, अपनी क्लास का प्रतिनिधित्व करता है,
प्रतिनिधित्व, मतलब जब भी क्लास के बारे में बात होती है तो मॉनिटर को बुलाया जाता है। इसी तरह से हर धर्म का, हर जाति का जो व्यक्ति होगा वो अपनी जाति का, अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करेगा। जस्ट सपोज ये एक जो है विधानसभा है, जहाँ पर राज्यों की विधानसभा है ना, जहाँ पर राज्य सरकार जो है कानून बनाती है, राज्यों की सरकार। तो वहाँ पर जो हिंदू धर्म के जो लोग होंगे वो, मतलब अगर वो, उनकी ज़्यादा सीटें होंगी तो वो अपनी अपनी धर्म का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर वहाँ पे महिला है, ठीक है, जस्ट सपोज वहाँ पर अगर जो है 4 महिलाएं हैं उस विधानसभा में, तो ये महिलाएं अपनी महिला उसका प्रतिनिधित्व करेंगी। अगर कोई जाति के हैं वो अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है ना। तो उनमें क्या हुआ, प्रांतीय विधानसभाओं में, जो प्रांतीय विधानसभाएं कौन सी थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली शासन कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने अपने हर समुदाय के सदस्यों को जो है अपने प्रतिनिधियों को चुना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया। इसके बारे में हम तीसरे चैप्टर में समझेंगे बहुत विस्तार से। इसका मतलब मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि जिसका अनुपात जितना है उतना उसको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। जस्ट सपोज कि ये जो है ये पूरा इलाका है, यहाँ पर इनकी जो जनसंख्या है 100 है, ठीक है, छोटा सा। अगर यहाँ पर अगर 10 लोग अगर सिख रहते हैं तो टोटल जो है 10% हो जाएगा, तो 10% सीटें सिखों को मिल गई। अगर वहाँ पर जो है किसी और धर्म के जितने लोग हैं तो उनको उतनी सीटें उसको उतनी मिल जाएंगी। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में मैंने आपको बता दिया। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब होता है कि मत एक बार दिया जाएगा लेकिन उसकी गिनती बार बार होती है। इसके बारे में हम तीसरे चैप्टर में समझेंगे। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हर प्रांत को जो मुख्यतः 3 सीटों में, मतलब जो उनकी सीटें थी उनको 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम सिख और बाकी समान ने। और हर प्रांतीय विधानसभाओं की जो सीटें थी वहां के प्रत्येक समुदाय के जो सदस्य थे ना उन्होंने अपने लोगों को चुना, ठीक है। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनके चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया, क्योंकि वो तो देशी रियासत, मतलब जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए ये जो देशी रियासतों के जो समूह है ना, ये जो पिंक वाले इलाके हैं, यहाँ पर इन्हीं से पूछा गया कि भाई तुम अपने जो लोग हैं अपने प्रतिनिधियों को किस तरह से भेजना चाहोगे, तो उन्हीं से ये पूछ करके निर्णय लिया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो डिस्कशन में इतना ही था। आगे के पार्ट्स और चैप्टर्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखें, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और हमारे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या आपको फ्री ट्रायल क्लासेस जरूर मिलेंगी। अगर आपके कोई डाउट्स हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।